प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात रा दो दिनारी यात्रा खातर हुआ रवाना। संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति रा साथे करेला द्विपक्षीय बैठक। अबुधाबी माए पहला हिंदू मंदिर रो भी करेला उद्घाटन। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह ने कर संबोधित। कया भारत ने विश्व री तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनावा खातर सगलारी भागीदारी है जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान का दो दिवसीय दौरा माथे जयपुर में करेली रात्रि विश्राम। काल मेहंदीपुर बालाजी और डूंगरपुर जिला रा बेणेश्वर धाम जाबारो है कार्यक्रम। भाजपा राज्यसभा चुनाव खातर राजस्थान सु आपरा प्रत्याशी कर्या घोषित। पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ने बनायो उम्मीदवार। और दिल्ली में किसान संगठन रा प्रदर्शन ने देखता थका राजस्थान रा गंगानगर जिला में पंजाब और हरियाणा सु लागती सीमा ने करो सील। इंटरनेट और रोडवेज बस सेवा ने भी करो गयो बंद। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार और दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप रोज स्वागत है। सा और अब खबर देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात री दो दिन री यात्रा खातर रवाना वह गया है। यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान रे साथे द्विपक्षीय बैठक करेला। प्रधानमंत्री अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर रो उद्घाटन भी करेला। इन दौरान वे अठेरा भारतीय समुदाय ने भी संबोधित करेला। संयुक्त अरब अमीरात रा दौरा रे पछे प्रधानमंत्री कतररी यात्रा भी करेला जिनने रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद खास मान्य जा रही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कया के भारत ने विश्व री तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनावा खातर सबरी भागीदारी जरूरी है। वह काल जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने संबोधित कर रहा है। इन दौरान वना विश्वविद्यालय कानीसु देश रा विकास माए वना री योगदान खातर डी लिटरी उपाध्यासु सम्मानित करो गयो। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री गडकरी कया के तकनीकी ने गांव और खेता ताई पुगार विकास करनो है। अत्याधुनिक तकनीकी सु ही देश रो विकास वह सके है। समारोह माए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी समेत कई लोग मौजूद रिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत $5 trillion इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च साइंस ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। द फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम और उसमें काम करने के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, टीम वर्क, अगर ये तीन छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर, अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। केवल बिटुमिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत,
इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए गुणवत्तापूर्वक के लोग विदेश के हमारे यहाँ आके पढ़े, हमारे लोग विदेश नहीं जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 ने मंजूरी दे दी है। इन विधेयक ने बजट सत्र में संसद सु पारित करो गयो है। कानून बन जबारे पछे अब परीक्षा में माए गड़बड़ी करबा वाला ने अधिकतम 10 साल री जेल और 1 करोड़ रुपया ताइरो जुर्मानो लगायो जा सके है। उन्होंने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक को बजट सत्र में संसद से पारित किया गया था। कानून बन जाने के बाद अब परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो उस पूरी परीक्षा का खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं और संस्थाओं को देना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सु राजस्थान रा 2 दिवसीय दौरा माथे रेवली। वे आज शाम जयपुर पुगेली और राजभवन में रात्रि विश्राम करेली। इन पछे वे दौसा जिला रा महेंद्रपुर बालाजी मंदिर जावेली, जटे राष्ट्रपति पूजा अर्चना करेली। पछे डूंगरपुर जिला रा बेणेश्वर धाम जावेली। वे अटे लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेवेली। इन मौके असम रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रेवला। पछे वे उदयपुर खातर रवाना हुएली। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव खातर राजस्थान सु आपरा प्रत्याशी घोषित कर देना है। पार्टी पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया और पूर्व सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने उम्मीदवार बनायो गयो है। चुन्नीलाल गरासिया उदयपुर सु 2 बार विधायक रह चुका है। वटे ही मदन राठौड़ सुमेरपुर विधानसभा सीट सु 2 बार विधायक रह चुका है। प्रदेश में राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव होना है। इन खातर 15 फरवरी नामांकन री अंतिम तारीख है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रे साथे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा काल जयपुर में बैठक कर प्रदेश में राजमार्ग और सड़क तंत्र ने बेहतर और मजबूत बनाबा रा बारा में चर्चा करी। मुख्यमंत्री बैठक में कया कर राज्य सरकार री मंशा है कर राजस्थान ने राजमार्ग और सड़क रा नेटवर्क रा क्षेत्र में देश रा अग्रणी राज्य में लायो जावे, ताकि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सु देश री आर्थिक और औद्योगिक विकास ने रफ्तार मिल सके। दिल्ली में आज कई किसान संगठना कानी सु होबा वाला प्रदर्शन न देखता थका राजस्थान रा गंगानगर जिला में पंजाब और हरियाणा सु लागती सीमा ने सील कर दियो गयो है। जिला कलेक्टर अंशदीप बताया कि किसान आंदोलन रे चालता पंजाब हरियाणा बॉर्डर कानी जाबा वाला वाहन चालका सु यात्रा नी करबारी अपील करी है। वटे ही एहतियात रे तौर माथे जिला में इंटरनेट सेवा बंद कर देनी है। साथ ही पंजाब और हरियाणा कानी जाबा वाली रोडवेज बसा सेवा ने भी बंद कर दियो गयो है। पंजाब के साथ में है और दूसरे जिलों के साथ में है, उनके ऊपर भी सर्विलांस बढ़ाई गई है। मेरा सभी से आह्वान रहेगा कि जब तक आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी मूवमेंट ना हो, पंजाब हरियाणा या दिल्ली की तरफ का अगर मूवमेंट है उसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो प्रशासन की तरफ से जो डाइवर्जन की व्यवस्था कराई गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर ट्रैवल कर सकते। किसी प्रकार की लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए एसेंशियल सर्विसेज की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कराई गई है। हमारी जो पुलिस की टीम है, मैजिस्ट्रेट्स की टीम है, वो पूर्ण रूप से उपस्थित है और कहीं पर भी किसी को किसी समस्या ना झेलनी पड़े उसके लिए पूर्ण रूप से वो तैयार है। अभी साधु वाले रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं हम, इसमें पंजाब से आवागमन को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बाकी रास्ते यात्रियों की आवास सुविधा के हिसाब से सारे बाकी खुले हैं, तो कहीं से लोग जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो किसानों का जो दिल्ली जाने का कोच का प्रोग्राम है उस दृष्टि से हमने ये उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार किया है। सभी वाहन हम गंगानगर जा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। अन्य रास्तों पर हमारा जाप्ता है, अगर वहाँ से भी निकलेंगे तो उसी हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल जाप्ता भी लगाया।
केंद्र सरकार रे किसान हितेशी योजना वा अन्नदाता वाने सशक्त बना रही है। गरीब युवा और महिला वाने साथे किसानों रो कल्याण भी सरकार रे प्राथमिकता माए है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो एक व्यापक योजना है, जिसमें मंत्रालय की मेगा फूड पार्क और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। संपदा का मतलब है यहाँ पर कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। PMFBY किसानों को किफायती प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या फिर बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा सुनिश्चित करती है। इस योजना से लाखों किसानों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिली है, उनकी आजीविका सुरक्षित हुई है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। प्रदेश रा करौली जिला में लोह अयस्क रा बड़ा भंडार मिला है। जिला रा हिंडोन सिटी रे कन्ने खेड़ा, देद्रोली, टोडूपुरा और लीलोटी गांव में शुरुआत संकेता रे अनुसार लोह अयस्क रा 840 मिलियन टन सु बत्ता भंडार है, या करीब 1880 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले अड़ा है। इन माय चुंबकीय प्रकृति रा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार रा लोह अयस्क होबारा संकेत मिला है। जिला माय या अयस्क रे सामे आबारे पछे प्रदेश रा औद्योगिक निवेश ने और बढ़ावो मिले लो। करौली में हिंडोन सिटी, तहसील हिंडोन सिटी में आयरन ओर के 4 ब्लॉक्स मिले हैं, जिसमें लगभग 1880 हेक्टर में है और इसमें मैग्नेटाइट 487 मिलियन टन एवं 750 मिलियन टन हेमेटाइट का डिपॉजिट मिला है, और जिसका कंपोजिट लाइसेंस दिए जाने हेतु निदेशालय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त नीलामी के पश्चात जिसे औद्योगिक निवेश बढ़ने से विकास की संभावना एवं रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश रा कई पुलिस थाना में लाग्या हुआ CLG सदस्य जो राजनीतिक अवांछित या आपराधिक गतिविधियां में लिप्त पाया जावेला वणारी सदस्यता समाप्त करी जावेली। इन संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कम्युनिटी पुलिसिंग BL मीणा सगला पुलिस अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है। वे सगला रेंज और जिलारा पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि अयोग्य सदस्य ने बेगा ही CLG सदस्यता सु मुक्त कर वणारी टोर योग्य सदस्यों रो मनोनयन कर। खबर माय टीम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात री 2 दिन री यात्रा खातर हुआ रवाना। संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति रे साथे करेला द्विपक्षीय बैठक। अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर रो करेला उद्घाटन। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने कराया संबोधित। कया भारत ने विश्व तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनावा खातर सगलारी भागीदारी है जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान रा 2 दिवसीय दौरा माथे। जयपुर में करेली रात्रि विश्राम। काले मेहंदीपुर बालाजी और डूंगरपुर जिला रा बेणेश्वर धाम जाबारो है कार्यक्रम। भाजपा राज्यसभा चुनाव खातर राजस्थान सु आपरा प्रत्याशी कर्या घोषित। पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर ने बनायो उम्मीदवार। और दिल्ली में किसान संगठन आरा प्रदर्शन देखता थका राजस्थान रा गंगानगर जिला में पंजाब और हरियाणा सु लागती सीमा ने करियो सील। इंटरनेट और रोडवेज बस सेवा ने भी करियो गयो बंद। इंटरसाते दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।